नमस्कार आपण देखुद अर्गस अपडेट आपण विस्मय प्रथम हेडलाइंस कर्लापाट अभयारण्य में थमुनी हाथी मड़क आउ एक छुआ हाथी मृतदेह ठाब सात को वृद्धि पाला मृत्यु संख्या सेपटे स्थिति अनुध्यान कर आज फेरी था तीन जनिया केन्द्रीय टीम उपनिर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा पिपिली नुआ शासन में भोटर को प्रभावित करुवा अभियोग दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल तीन जन महिला कैपिटल हस्पिटाल रेफर फुलवाणी जलस्पटा कन्याश्रम परिचालन को हत्या धमक अजणा फोन कले स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को धमक तुमुड़ीबंध थाना एतला पर सुरक्षा पाई पहुंचला पुलिस धमक दे व्यक्ति को खोजुच पुलिस भारत और चीन मध्य दशम सामरिक स्तरीय आलोचना पूर्व लद्दाख्रु सैन्य अपसारण उपर फोकस पूर्व राजीनामा अनुसार प्रांगंग ह्रद निकट सेना अपसारण कर सारी चीन राजनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे राज्य विकास रे संगीन चित्र तलकु खसुची लोकों मुंड पिछा आय एथर अभिवृद्धि हार 4.92 हेबार आकलन मंडी कषण को बळीगला वर्षामाड़ नुआपड़ा रे भिजला हजार हजार बस्ता धान मंडी प्रसंग रे बारंबार गृह मुलतवी बाचस्पति रूलींग अनुसार गृह रे उत्तर रखिले जोगाण मंत्री परिहत्या मामलें सीबीआई तदंत को डरुंट कि राज्य सरकार एसआईटी तदंत को नहीं साधारण उठिला प्रश्न गिरफ नाबालक माँ दे चांचल्यकर बयान को नहीं चर्चा सेपटे एसआईटी सबू आवेदन कोर्टे आग्राह्य झराफुलर मृत्यु को 25 दिन पर भी हटुड़ी परदा जाजपुर खुआखिया पुलिस तदंत उपर प्रश्न उठाइले पर कमिश्नरेट पुलिस को मामला हस्तांतर पर दावी दुई दिन पर आंदोलन धमक देला भंजसेना कलाहांडी कर्लापाट अभयारण्य में थमुनी हाथी मड़क आउ एक हाथी छुआर मृतदेह ठाब कर मृत्यु संख्या वर्तमान सात को वृद्धि पाई सेपटे स्थिति अनुध्यान करनिजनिया केन्द्रीय टीम आज फेरी जबार समय रही तबे संपर्कित अधिक सूचना आम सहित सीधासलख कलाहांडी जोशी आम प्रतिनिधि जशवंत धांगड़ा माझी जशवंत कर्लापाट अभयारण्य में थमुनी हाथी मड़क आज आउ एक हाथी छुआर मृतदेह ठाब हो सब बड़ कथा वर्तमान सात को वृद्धि पाला मृत्यु संख्या सेपटे आज स्थिति अनुध्यान करी फेरी था तीन जनिया केन्द्रीय टीम निश्चित भाव में विस्मय देखु कलाहांडी जिले में जो भाया हाथी मड़क वर्तमान बढ़ी चली हाथी मड़क थमार ना धरूना गोटे प्रकार जदि आम कह जो हाथी मड़क जो भाया भाव में हाथी दिनक दिन मृत्यु संख्या बढ़वे लगी कि कलाहांडी जिलावासी गोटे प्रकार अनिश्चितता मध्य अच्छा कहीं प्रथम कर आम जदि देखा जो फेब्रुआरी 1 तारिख रु 14 तारिख मध्य 6 गोटी हाथी मृत्यु होता है आज हूँ 20-21 तारिख हो गला कि आज कथा जदि आम कह संख्या पखापाखि सात को वृद्धि पाई विशेष सूत्र जहाँ गोटे खबर आसिक पहुंची आज विलंबित रातर जहाँ खबर आसला आउ गोटे छुआ हाथी मृत्यु होली जहाँ खबर आसला कितु बर्तमान जदि विस्मय आम कहीपर जेहेतु गोटे मसर ही पखापाखि सतट हाथी कलाहांडी जिला जो कर्लापाट अभयारण्य मृत्यु होती बर्तमान गोटे जो वन विभाग को जो कलाहांडी जो दक्षिण वन विभाग बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि लोकों मनरे के गोटे प्रश्न माने उंकी मारुची जेहेतु गोटे ना दुईटी ना तीनोटी हाथी मृत्यु होनी कहीं ये सतटी मृत्यु हो जाए तो लोक मैंने ये आम कहीपर जो वन विभाग कार्यदक्षता को लेकिन ये गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करें कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भाया भाव में कार्य करने कथा ठीक भाव से जेहेतु करूना बोल कि जहाँ अभियोग आसूसी एवं आउ गोटे कथा है विस्मय देखो जेहेतु तीन जनिया टीम केन्द्रीय तीन जनिया टीम कलाहांडी गस्तर आसी गत काली सका पखापाखि 6टा से कर्लापाट अभयारण्य भितर को जाते जो तेतुली पदर घुसरी गुड़ी जाकम ये अंचल गाँव को जो 33 खंड गाँव अच्छी से अंचल अनुध्यान करते कौन पाई हाथी मृत्यु हो मृत्युर कारण खोजी काली सन्धार जितेबाला से भवानीपाटना फेरलापर आम से सहित साक्षात्कार करूँ से प्रतिक्रिया जे जो हाथी मृत्यु चली वर्तमान ताकू नहीं कि आम आज रिटर्न करू आज से रिटर्न कार्यक्रम थिला किंतु वर्तमान जहाँ सूचना आसला जे आउ गोटे हाथी मृत्यु होती तो निहाती भाव में जो केन्द्रीय दल अच्छा से माने आज रिटर्न करेंगे ना ये जो आज आउ गोटे हाथी मृत्यु होती ताकू नहीं कि आउ किसी दिन रे आउ किसी तदंत रे बर्तमान स्पष्ट ही ना कि बर्तमान जदि कह कलाहांडी जिला जो कर्लापाट अभयारण्य बर्तमान हाथी मृत्यु संख्या सात को पहुँची विस्मय
आगु जाणीचे जिते बेले जहाँ सूचना कि केन्द्र टीम मैंने जहाँ रिपोर्ट रू सूचना देते कि गृहपालित पशु मृतदेह जो रोग व्यापुवा पर हाथी मृत्यु होता जहाँ सूचना थी सूचना रही कि या पूर्व जो छटी हाथी मृत्यु होता से छजन जाक गर्भवती थे कि बर्तमान एक छुआ हाथी मृत्यु रही मृत्यु होती तेज सब बड़ कथा कौन हो पाए यार कारण निश्चित भाव विस्मय देखते प्रथम जो छोटी हाथी मरला से मधुर माई हाथी थिला एवं आउ गोटे छोट हाथी मध्य से हाथी जो छोटी हाथी मृत्यु भितर थिला एवं आज गोटे छुआ हाथी मृत्यु होता जहाँ सूचना आसुची किंतु वर्तमान कथ रहा जेहेतु ये वन विभाग कि भाव में तार कार्य कर जो डीएफओ जी अच्छा टी अशोक कुमार जी अच्छा कार्य को लेकिन वर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि कहीं साधारण लोक कथ जो कह कि जो पशुप्रेमी अच्छा कि जीवजंतु प्रेमी जो मैंने अच्छा वन विभाग को सीधा सीधा टार्गेट कर कहीं गोटे मस सतोटी हाथ मृत्यु ये घटना को लोक ठीक भाव में मानते ग्रहण करता बड़ कथ वन विभाग कार्यकारिता प्रश्न उठू यार प्रभाव अगर कौन पशुपक्षी पड़े नहीं तो नहीं बिस्मित देखते बर्तमान जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं जहाँ केन्द्रीय टीम से काम सहित जहाँ आलोचना करते डीएफओ को ऑर्डर दिया दिखाई से अंचल कि भाव में टीकाकरण कर जल को कि भाव में विशोधन करके गुरुत्व दि जाइला केन्द्र टीम आज फेरीजी कार्यक्रम थे जो साण भूताण कथ बर्तमान जेहतु विगत दिन भी जो ओयूटी जो टीम आसते से कहते जो भेटनेरी विभाग जो अधिकारी अच्छा से कहते हेमरेज सेप्टिसेमिया साहण रोग जो भूताणु जो हाथी मृत्यु होली जहाँ बर्तमान सुधा जहाँ सूचना आसला कितु बर्तमान जो कल चार केन्द्रीय जो तीन जनीया टीम से आसी कलाहांडी कर्लापाट अभयारण्य को जो रिपोर्ट संग्रह कर पखापाखि चारोटी दिगरे से जो रिपोर्ट मानने जो नमूना नहीं कि चारोटी दिगरे से टेस्ट करेंगे और तार रिपोर्टा पखापाखि दस दिन भितर आसपर कौन पर मृत्यु होली सठिक तथ्य दिजिव बोल कि जहाँ केन्द्रीय टीम रो जो पीपी पंडा जी अच्छा से कल सूचना दूसरे निहाँ आज जहाँ सूचना मध्य रही कि स्थिति अनुध्यान कर आज फेरी था तीन जनी केन्द्रीय टीम किंतु जेहेतु आउ एक हाथी छुआर मृत्यु होती देखा जाने फेरी जाऊँ स्थित को पुणि थोड़ा अनुध्यान करुँ कौन रिपोर्ट आसूर समस्त नजर अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद जशवंत आप समस्त सूचना उपनिर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा पिपिली नुआ शासन पंचायत में सरपंच पदवी पर आगामी 24 तारीख में होगा उपनिर्वाचन यहाँ नहीं गतकाल महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सभ्या मान बीजेडी महिला सभानेत्री महिला मान आलोचना करुले बीजेडी समर्थित सरपंच प्रार्थी को खोला बहिचिन्ह से भोट देवा बाध्य हेतु 14 मान ग्राम से उत्तेजना देखाई विरोध कर किसी महिला माड़ मरा जा पिपिली थाना अभियोग होपटे बीजेडी महिला सभानेत्री को आक्रमण करा पिपिली थाना अभियोग उभय पक्षर महिला पिपिली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा कर उभय पक्षर तीन जन महिला स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होवर डाक्तर कैपिटल हॉस्पिटल को रेफर कर दस जनिया गोष्ठी मीटिंग कहले नवीन देची आ ये चाष करिया सब छतु चाष भंडा चाष नाना प्रकार चाष करिया सी पैसा देची आ 12,000 लेखे सी सब छाड़े हे तुमको भत्ता करदेबू एम सब सब कथ आलोचना कले आम सब कथ सुनिकी सी जमी कहले कहे भोट दब खोला चिन्ह चिन्मय पात्र आम से एत विरोधी तुम कहीं तुम कौन आमको भोट मागे को आमको जो मीटिंग डकईला से मीटिंग कथा कहतु आम कहीं एत कथ कही डकोचे तो कह भर से आसिक मकुंदपुर से जाते 23 फुट सी तो कौन ताकूद तुन तुन कि सी तो समस्ते मिसिक तले पक बाडे आमको अवस्था कर प्रिपेयर होकर आसी गंडगोल करने जेहेतु आम गोटे महिला मीटिंग होता से आसिक सांगसांगे अटाक कले आसिक चुट्टी फुटी बुला बुड़ी सी जेन्ट्स लोक आसिक धरी पकड़े लेडीज मैंने धरी पक
रईरंगपुर ब्राउन सुगर सहित बेपारी गिरफ। मयूरभंज जिला रईरंगपुर टाउन थाना बस स्टाण्रे ब्राउन सुगर जबत कर 6.70 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कर अभियुक्त को गिरफ्त कर टाउन थाना पुलिस। अभियुक्त युवक जनक झारखंड राज्यर आदित्यपुरम अब्दुल कुएल एवं उक्त युवक जनक झारखंड रु आसी रईरंगपुर अंचल पूर्व ब्राउन सुगर बिक्री कर आसुवा पुलिस खबर पाई ट्राकिंग चलता। तेरे आज बैक आसी रईरंगपुर बस स्टाण्रे डिल करने पूर्व पुलिस चढ़ाऊ कर ब्राउन सुगर जबत करने अभियुक्त को गिरफ्त कर। भद्रक टाउन थाना अधीनस्थ गोड़मुंड निकट सेक्स रैकेट ठाव यह एक घरे रेड कर पुलिस चढ़ाऊ समय रे घर भितर चारि महिला एवं दुई पुरुष को उठाई नेला पुलिस किछ दिन धरी सेठारे सेक्स रैकेट चलुथिबा अभियोग होइथिला। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भद्रक ग्रुप ऑनलाइन रे योजना प्रतिनिधि दीप्ति अच्छा। दीप्ति पूरा घटना कौन रही है जहाँ सूचना रही कि पुलिस एचन को गिरफ्त कर पूरा अपडेट निश्चित भाव विस्मी देखु। भद्रक सहर अंचल थाना अंतर्गत जो देखिए डगुमुंड स्थित एक तीन महला भड़ा घर एक सेक्स राकेट ठाप कर गत काली रात सेक्स राकेट संपुक्त थिबा चारोटी महिला और दुईट पुरुष को उठाई आनी टाउन पुलिस और गिरफ्त कर सूचना मुताबक रही दीर्घ किसी दिन हम यही भड़ा घर चली सेक्स राकेट तेरे ग्रामवासी मैंने अभियोग भी बारंबार पुलिस की जनवा भी पुलिस विलंबरे पदक्षेप नहीं जहां कि गत काली रात रेड करा रेड भितर संपुक्त थिबा चारि जन महिला गिरफ्त करने सहित दुई जन पुरुष को गिरफ्त कर किसी अनैतिक जिनस भी पुलिस उधार कर पुलिस पक्ष सूचना मिली तेज देखा जावा जो जो मानक गिरफ्त करुद्ध में भी मामला रुजु करु ये स्थानीय लोक मैंने जो अभोग भी करेत एपरी कलोनी भितर यह भड़ा घर किपर भाव में सेक्स राकेट चलुला पुलिस सन्देह सृष्टि कर पुलिस कौटि ना कौटि भूमिका को लेकिन स्थानीय लोक अभियोग कर दीर्घ दिन हम यही सेक्स राकेट चलुला जहां को लेकिन स्थानीय लोक पूर्व अभियोग कर थाना किसी विलंबर हेले थाना अधिकारी गत काली रात चढ़ाऊ कर संपुक्त से स्थान से कोठार चढ़ाऊ कला भितर चारोटी महिला संपुक्त थिबा एवं दुई जन पुरुष अनैतिक अवस्था थिबा बेले पुलिस उद्धार कर गिरफ्त कर संपुक्त बारे एठी चालू सेक्स राकेट चलता पुलिस पक्ष बड़ा कथा भड़ा घरे एभली कार्य चली अनैतिक कार्य चली नजर किभली पड़लानी एवं जिते बेले पुलिस वर्तमान रेड कर सब बड़ कथ आसुची घरर मालिक एने किसी प्रतिक्रिया रखिंट कि निश्चित विस्मी देखो घर मालिक को पुलिस तो पक्षर पचार तनाघना कर तदंत परिसरभुक्त कर किंतु वर्तमान जहां प्राथमिक सूचना जहां मिली पुलिस पक्षर तेज वर्तमान जो चारोटी महिला जो उद्धार कर चारोटी महिला समेत दुईट पुरुष को उद्धार कर पुलिस जेहेतु ये भड़ा घरे जो तीन महला कोठा भड़ा घरे जो चलुला सेक्स राकेट ताकू पुलिस टाउन पुलिस ठाप कर तबे जो स्थानीय लोक मैंने जो सेठिकार जो रोचंद से अभोग कर जेहेतु बारंबार लेडीज आ जेन्ट्स जबार से घर को देखी संपूर्ण भाव से सन्देह करते सन्देह भितर पुलिस को भी जनईते कि पुलिस विलंबर हेले गत काली रात पुलिस से भड़ा घर चढ़ऊ करते संपुक्त भाव में चारिज को उद्धार कर किंतु वर्तमान सुधा जहां मालिक जो घर भड़ा मालिक जो रही विस्मय आपरी भाव कहते भड़ार मालिक मालिक को पुलिस तदंत परिसरभुक्त आनब कि नहीं ता प्रश्नवाची सृष्टि करपर मैं समस्त नजर अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आप समस्त सूचना।
नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे देशरे केछे राज्यरे कोरोनार नुवा स्ट्रेन कुने भय देखबाकु मिलिछि। नुवा स्ट्रेनर संक्रमण भयकु दृष्टि रखी गंजाम जिला प्रशासन पक्षरु जारी हेला एसओपी। धार्मिक अनुष्ठान बजार विभिन्न अनुष्ठानरे कोविड नियमर कडाकडी पालन करा जिवो। सरकारी कार्यालयरे मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता रक्षा करिबा बाध्य। जिलार समस्त ब्लक तहसील एनएससी गुडीकरे हेबो मास्क चेकिंग पॉइंट। स्थानीय थाना अधिकारी सहायतार वीडियो एवं तहसीलदार मास्क जांच करेंगे। आशा अंगनवाड़ी एएनएम कोरोना संदिग्ध मानक चिन्हट सह कोविड टेस्ट पर निर्देश रही। दुकानी माने कोविड कटकणा न मानिले नियाजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान। फुलवाणी जलस्फोट कन्याश्रम परिचालकों हत्या धमक। अजना फोन कले कन्याश्रम परिचालक स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को धमक। एने तुमुड़बंध थाना एतला दे स्वामी जीवनानंद मुक्तानंद पुरी। तेरे थाना एतला पर सुरक्षापाई कन्याश्रम पहुंचला पुलिस। 2008 कन्याश्रम परिचालक लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या कर कंधमाल जलस्फोटा आश्रम दायित्व जीवन मुक्तानंद पुरी बाबा को हत्या धमक। अजना नंबर आसला फोन कल सुरक्षापाई थाना एतला दे बाबा। कंधमाल जिला तुमुड़बंध जलस्फोटा आश्रम मुख्य को हत्या धमक दि जाएगी। आश्रम दायित्व जीवन मुक्तानंद पुरी बाबा एभली धमक दि जाएगी। कौन अजना नंबर रु फोन आसी हत्या धमक मिली। एने संपृक्त आश्रम मुख्य थाना एतला देवा पुलिस तनाघना आरंभ कर। घटना अनुसार आज सन्धार स्वामीजी को एक फोन कल आसाला। फोन आसला जो धमक जलस्फोटा तुम आश्रम को चार दिन भितर ध्वंस कर उड़ेदेबू आ तुमको समाप्त करदेबू आ तुम बहुत उछलकूद कर हिंदी कहते कथापर से फोन काटदे आ मोर इच्छा जे एत साहस केमती है जो 2008 पाँच जन को मरा जाए पुणी एत पुणी आज साहस कर आश्रम को जो मैंने परिचालन कर समाज कल्याण कर छुआ मान पाठ पढ़ाऊ सत्संग करुचु कौन अपराध हो गला देश में बचा एति आम पाखे अधिकार नहीं आम काम आम करने सुरखुरी शांति में निर्भीक है मत निर्भीकता दरकार सुरक्षा दरकार। तेरे फोन में कहुई आसंता किसी दिन मध्य बाबा को हत्या करने बाबा थाना एतला आश्रम सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर दि जाए। तेरे पूर्व 2008 मसीहा अगस्त 22 तारीख में आश्रम रोकता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को एभली धमकपूर्ण चिठी आसाला। यार गोटे दिन पर दुर्बृत्त मैंने आश्रम मध्य पशि सरस्वती को हत्या करते। कंधमालू इशाक प्रधान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओडिशारे तळकु खसछि मुंड पिछा आय ओडिशा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 रो आसला राज्यर संगीन चित्र। 2019-20 रे राज्यर मुंड पिछा आय 1,04,566 टंका थिबा बले 2020-21 रे ह्रास पाई 1,02,156 टंका रे पहुचिछि। गत वर्ष तुलना रे मुंड पिछा आय 2.30% अर्थात 2,400 टंका कमिछि। एथरो राज्यर अभिवृद्धि हार कमी -4.92 हेबो बोली आकलन करा जाय छि। महामारी कोविड द्वारा प्रभावित होछि राज्य अर्थनीति तेणु कोविड प्रभाव रे राज्यर अर्थनीति संकुचित हेबो बोली अनुमान करा जाय छि। 2012-13 रु 2019-20 मध्य रे ओडिसा अर्थनीति हाराहारी वार्षिक 7.1% हार रे वृद्धि पाइथिबा बेले जातीय हार 6.6% रहिथिला। तेबे 2020-21 रे देशर जीएसटीपी -7.7% रहिबा नै आकलन करा जाइथिबा बेले ओडिसा रो जीएसटीपी -4.92 रहिबो। फेब्रुवारी 20 तारीख दिन भारत और चीन मध्य आरंभ होइछि दशम सामरिक स्तरीय बैठक। पूर्व लद्दाखर हटस्पिंग गोग्रा देशपांग अंचल सेना अपसारण करने सहित संप्रक्त अंचल उत्तेजना कमावा उपरे एही आलोचना रे गुरुत्व आरोप करा जिवो बोली जणा पडछे। आरंभ होईची भारत और चीन मध्य दशम सामरिक स्तरीय आलोचना। आलोचन पूर्व लद्दाख सैन्य अपसारण उपरे फोकस। पूर्व राजीनामा अनुसार पांगांग ह्रद निकटर निजर सेना अपसारण कर सारी चीन। फेब्रुआरी 20 तारीख दिन भारत और चीन मध्य आरंभ हो दशम सामरिक स्तरीय बैठक। पूर्व लद्दाखर हटस्प्रिंग गोग्रा देशपांग अंचल सेना अपसारण करने सहित संप्रक्त अंचल उत्तेजना कमे
ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପାଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ହଟେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହି କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଲାଦାଖ ସୀମାର ପାଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ସେନାକୁ ହଟେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦରେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସୀମାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। 10ମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପିଜିକେ ମେନନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପିଏଲ୍ଓ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଲିଉ ଲିନ୍। ପୂର୍ବ ଲାଦାଖର ହଟ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଗ୍ରା ଦେଶପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ଅପସାରଣ ହେଲେ ଚୀନ ସହିତ ଲାଦାଖ ସୀମାକୁ ନେଇଥିବା ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେଶର ଏହି 10ମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ। କେଉଁଠି ଡବଲ ମର୍ଡର କାହାଣୀ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାର 13 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଜେରା ନ ହେବାରୁ କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ସେମାନେ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଚାପ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶାସନ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଆଇନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି, ଆମ ମହଙ୍ଗା ଲୋକ ରଖିପାରିବାନି, ଆମ ନିଜ ମହଙ୍ଗା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଆଇନ। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହଙ୍ଗା ମାଟିର ହୋଇନଥିବାରୁ ମହଙ୍ଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ମହଙ୍ଗାରେ ପଡୁଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, 2021 ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଜେରା ହେଲା ନାହିଁ। ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ ଘଟଣା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାଟକ ହେଉଛି? ଡବଲ ମର୍ଡର ପରେ ମହଙ୍ଗାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଜି ମହଙ୍ଗାକୁ କରିଛି ବଦନାମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କିଛି ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହଉନି। ଏଠି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ 14-25 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ବିକାଶ ଜେନାର ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ତ କିଙ୍ଗ ବରାଳ ହେଉଛି, ଏମିତିକି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ମାଡ଼ା ଲୋକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଆଣୁଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବସାଉଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା କହିବ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅପାରଗ ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିମିଡ଼ି ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିକଟରେ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା 40 ବର୍ଷର ମହିଳାକୁ ବିବାହର ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଅଛି, 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାଇ ତାକୁ ଗଣ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଧର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ଏଠି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଅପାରଗ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖି କାନ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରିୟ ମହଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କବଳରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ମାନେ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ଏଠି କେମିତି ପାୱାରରେ ରହିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ମହଙ୍ଗାରେ କିଏ ମରୁଛି ବା ବଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ୍ ନାହିଁ,
ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପବିତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଠି ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ କେବଳ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ କଳଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ରିବୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏ ଆଶା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ମାହାଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଦିନେ ମାହାଙ୍ଗା ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଭୟଭୀତ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତରେ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।